okay, same cube का equivalent resistance निकालना है, ठीक है, कोई भी दो points के बीच में, ठीक है। पहला जो video था उसमें मैंने उसमें मैंने क्या किया था कि एक cube का ही equivalent resistance निकाला था, but वो, ठीक है, वो कैसे थे, adjacent points थे, ठीक है। second जो मैंने cube का equivalent resistance निकाला था वो same face था, ठीक है, but opposite corners थे। अभी, ठीक है, फिर से मुझे equivalent निकालना है, but मुझे किसके बीच में निकालना है, diagonally opposite corners के बीच में, ठीक है। और ये दोनों diagonally opposite corners है, वो same face के नहीं है, वो opposite face के, जैसे कि A जो है वो front face का एक corner है और G जो है वो पीछे वाला जो face है उसका एक corner है, इसके बीच में, ठीक है, equivalent resistance कितना है वो मुझे निकालना है। तो हम लोग वही collapse method ही use करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, most of the time से कि circuit solving के time पे ऐसा होगा कि कहीं पर कुछ resistor, ठीक है, connections ऐसे मिल जाएंगे जो ना series में होंगे ना parallel में होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग star delta का conversion use करेंगे। तो let me first discuss star delta, ठीक है, because इसको solve करने में कहीं ना कहीं वो मुझे लगेगा। तो star delta क्या बोलता है, star delta ये बोलता है कि if you have, ठीक है, three resistances, ठीक है, connected in the form of a delta, if you have three resistance connected in the form of a delta, तो इसको हम लोग, ठीक है, एक equivalent, इसको हम लोग एक equivalent, ठीक है, star में connect कर सकते हैं, ठीक है, star में कैसे connect कर सकते हैं, तो star में कुछ ऐसे connect कर सकते हैं, let's say this point is A, this point is B, this point is C, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है। लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। मुझे इसका इक्विवेलेंट क्या करना है, स्टार में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो R1 और R2 जो है, ठीक है, वो सीरीज में भी नहीं है, वो पैरेलल में भी नहीं है, ठीक है। सीरीज में हम लोग क्या बोलते हैं, जब दोनों रेजिस्टेंसेस, ठीक है, कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो हम बोलते हैं ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। पैरेलल में हम लोग क्या बोलते हैं, जब यही दोनों रेजिस्टेंसेस, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस का एक एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, या फिर ऐसे बोलते हैं ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इसका दोनों का एक एक एंड ये पॉइंट पे कनेक्टेड है और दूसरा जो एंड है वो ये पॉइंट पे कनेक्टेड है, बट यहाँ पर कैसा हो रहा है, दोनों रेजिस्टेंस का एक एंड, ठीक है, ए पॉइंट पे कनेक्टेड है और दोनों रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है वो अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो ये ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग स्टार डेल्टा थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां पर, ठीक है, स्टार डेल्टा थ्योरम कुछ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स को डिस्टर्ब बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, अंदर हमको एक ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगेगा और यहाँ पर भी एक रेजिस्टर लगेगा, दिस इज आर सी, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, आर ए, आर बी और आर सी की वैल्यूज क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं आर ए की वैल्यू की बात करूंगा तो वो क्या होगी, आर वन आर टू, ठीक है, इसके बाजू में कौन से रेजिस्टेंसेज है, दैट इज आर वन और R2, ठीक है। अगर मैं RB की बात करूँ, इसके बाजू में कौन सा रेजिस्टेंस है, R2 और R3, तो R2 और R3। अगर मैं RC की रेजिस्टेंस की बात करूँ, इसके बाजू में कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 और R3, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस के बाजू में, जो भी एडजॉइनिंग जो बाजू में जो रेजिस्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस वैल्यू लिखना है, और हर एक को हम लोग को किससे डिवाइड करना है, तीनों के एडिशन से, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 plus R2 plus R3, और R1 plus R2 plus R3, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो डेल्टा है, ठीक है, इसको मैं फिर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो फाइनली जो डेल्टा होता है वो कुछ ऐसे स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है, एंड देन विल कंटिन्यू। ओके, अब आते हैं वापस अपने न्यूमेरिकल पे, ठीक है, मुझे क्या करना है, ठीक है, क्यूब, क्यों मुझे क्यूब दिया हुआ है, रेजिस्टर्स दिए हुए इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, और मुझे, ठीक है, दो पॉइंट के बीच में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, डायगोनली
ऑपोजिट कॉर्नर के हैं बट ये दोनों ऑपोजिट फेसेस के हैं। तो हम लोग कोलैप्स मेथड यूज करेंगे और कोलैप्स मेथड में ठीक है लेट मी अगेन टेक दिस क्यूब। ठीक है ये जितने भी एजेस है ठीक है ये सब एजेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये रेजिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा जो पॉइंट ए है ठीक है दिस पॉइंट ए ये पॉइंट ए यहाँ पर है ठीक है और ये पॉइंट जी है वो यहाँ पर है। तो कोलैप्स मेथड हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसको ठीक है ऐसे कोलैप्स कर देंगे ठीक है ऐसा उसको कोलैप्स करवाएंगे। लेकिन कोलैप्स करते टाइम सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है जिस पॉइंट्स के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट मेरे गायब नहीं होने चाहिए। ठीक है तो जब मैं इसको ऐसे ठीक है ना अगर इसको मैं ऐसे कोलैप्स करता हूँ तो मेरा जी पॉइंट अभी भी वहीं पर है और ए पॉइंट मेरा अभी भी वहीं पर ही अगर आप देखेंगे ठीक है तो देखिए ठीक है ना इसको जब मैं कोलैप्स करता हूँ ऐसे तो मेरा जी पॉइंट अभी भी यहाँ पर है और ये ए पॉइंट अभी भी यहाँ पर है। ओके और जब मैं कोलैप्स करूँगा ठीक है तो देखिए ये वाला रजिस्टर इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है ये वाला रजिस्टर इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा और ये जो वर्टिकल जो रजिस्टर है ये वाला ठीक है ये वाला किसके साथ कोलैप्स होगा जो यहाँ पर जो है ठीक है ये इसके साथ कोलैप्स होगा। जो जो अनडिस्टर्ब रहेंगे वो अनडिस्टर्ब कौन से रजिस्टर्स रहेंगे ठीक है वो होगा एक ये वाला रजिस्टर ठीक है जो अनडिस्टर्ब होगा कोलैप्स करने पर भी नहीं चेंज होगा और एक ये वाला वर्टिकल रजिस्टर। ठीक है तो जब मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा तो ये कुछ फाइनली ऐसा दिखेगा। ठीक है तो लेट मी ड्रॉ दिस ठीक है सिंप्लीफाइड सर्किट। लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए लेट्स से दिस इज द पॉइंट ठीक है ए और ये अनडिस्टर्ब ही रहेगा। ओके यहां पर ऐसे कुछ और ये है ठीक है जी वाला पॉइंट और लेट्स से ठीक है तो ठीक है कोलैप्स करने पे ठीक है डी और ई साथ में आ जाएंगे। ठीक है डी कॉमा ई साथ में आ जाएंगे। ठीक है और ये नीचे एफ ये सी और ये एफ सी और एफ साथ में आ जाएंगे। ठीक है तो इनफैक्ट ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है ये कुछ होगा ठीक है ऐसा तो देखिए जब मैं इसको कोलैप्स करूंगा ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट जी है। जब इसको मैं कोलैप्स करूंगा तो देखिए ये ऐसा होगा स्ट्रक्चर कुछ। ठीक है तो डी ई के साथ कोलैप्स होगा एफ सी के साथ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है और ठीक है ये जो मेरा रजिस्टर है ये अनडिस्टर्ब रहेगा। ठीक है इसके साथ में ये इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा आर बाई टू। ठीक है ये इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ठीक है आर बाई टू। और ठीक है ये वाला जो वर्टिकल है सी डी वो इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू। और ठीक है ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है और ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ठीक है ये जो होगा ये अनडिस्टर्ब होगा दैट इज आर ये भी अनडिस्टर्ब होगा दैट इज आर। ठीक है यहाँ पर जो वैल्यू होगी ठीक है दिस इज आर बाई टू और यहाँ पर भी कोलैप्स करने पे इसकी वैल्यू हो जाएगी आर बाई टू। नाउ इफ यू ऑब्जर्व ठीक है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टर है ठीक है कौन से जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ठीक है ये दोनों ठीक है सीरीज में है और यहाँ पर ये दोनों भी सीरीज में है। ठीक है तो इसको मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं कुछ इसको ऐसे दिखा सकता हूँ लेट्स से दिस इज ए ठीक है और ये जो पॉइंट है ठीक है लेट्स से दिस इज एफ कॉमा सी और यहाँ पर है पॉइंट जी करके तो ये जो है ये तो अनडिस्टर्ब ही रहेगा। ठीक है दैट इज आर बाई टू और यहाँ पर ठीक है ये जो पॉइंट है लेट्स से दिस इज डी कॉमा ई और यहाँ पर ये पॉइंट है ए तो ये भी अनडिस्टर्ब रहेगा आर बाई टू और ये जो वैल्यू है इसकी बीच में ये भी क्या रहेगी अनडिस्टर्ब रहेगी और ये दोनों आर बाई टू प्लस आर बाई टू ठीक है
which will give you the value as 3r/2, और यहाँ पर भी ये तुमको value क्या देगी 3r/2. तो finally ठीक है, मैं ऐसे जोड़ देता हूँ और ये value हो जाएगी 3r/2 और ये value भी यहाँ पर हो जाएगी 3r/2. Now if you see ये कुछ कुछ Wheatstone जैसा ही लग रहा है, but ये Wheatstone network नहीं है, क्योंकि left upon right का ratio ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो वो 1/3 आएगा और यहाँ पर left upon right का ratio निकालेंगे तो वो 3 आएगा ठीक है. तो left upon right का ratio left upon right के ratio के बराबर नहीं है, जो कि previous case में था. अगर ऐसा यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी ऐसा होता तो ये current in this branch ठीक है वो जीरो हो जाता, ये ब्रांच को मैं बाहर निकाल देता, ये ब्रांच को मैं बाहर निकाल देता तो ये और ये सीरीज में हो जाते, ये और ये सीरीज में जाते और ये दोनों पैरेलल में हो जाते, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता. बट यहाँ पर अब ठीक है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो डेल्टा बन रहे, एक ये डेल्टा और एक ये वाला डेल्टा. मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो स्टार में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है, मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ करूंगा कुछ. यहाँ पर एक रेजिस्टर है ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टर है और यहाँ पर एक रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू और इसकी ठीक है. लेट से दिस इज ठीक है R1 बोल देता हूँ इसको, मैं इसको R2 बोल देता हूँ और इसको R3 बोल देता हूँ. तो अगर मैं R1 की वैल्यू की बात करूँ ठीक है, R1, तो R1 किसके बराबर होगा, तो R1 के बाजू में कौन से दो रेजिस्टर्स है, एक है 3R/2 और है R/2 और नीचे ठीक है ना, तीनों का एडिशन हो जाएगा, दैट इज 3R/2 + R/2 + R/2 विच इज इक्वल टू 3R² / 2 अपॉन ये हो जाएगा 5R/2 ठीक है. तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से R के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा ओके. तो यहाँ पर जो फाइनली जो बचेगा, इनफैक्ट यहाँ पर ऊपर एक 2 रह जाएगा, दिस इज 4 ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 बच जाएगा ठीक है, ये नीचे आ जाएगा. तो फाइनल जो वैल्यू होगी वो होगी 3R/10 ओके. तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी 3R/10. अगर मैं बात करूं किसकी, R3 की, तो R3 का भी सेम वैल्यू ही आएगा ठीक है. R3 की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो इसके बाजू में कौन से दोनों रेजिस्टेंस है, 3R/2 और R/2, तो 3R/2 इंटू R/2 अपॉन तीनों का एडिशन, विच विल गिव यू द सेम वैल्यू 3R/10 ओम 3R/10 ओम. और अगर R2 की वैल्यू निकालूंगा तो वो हो जाएगी R/2 अपॉन, इसके बाजू में कौन से दोनों रेजिस्टेंस है, R/2 और R/2 और नीचे तीनों का एडिशन, दैट इज R/2 + R/2 + 3R/2, ये हो जाएगा R² / 2 अपॉन ये हो जाएगा 5R/2 ठीक है. तो R/2 R/2 कैंसिल हो जाएगा फिर से, यहाँ पर R/2 R कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर जो फाइनल जो आंसर बचेगा ठीक है वो बचेगा यहाँ पर फिर से ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली ये 4 है ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज R/10. तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज R/10 ठीक है. तो ये जो सर्किट है ठीक है, इसको मैं फाइनल सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट ठीक है, और फोर्थ पॉइंट मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ. अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँगा तो यहाँ पर ठीक है, इनफैक्ट ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है ठीक है R1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R2 ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R3 ओके. और ये कनेक्टेड है 3R/2 से, यहाँ पर भी एक ये कनेक्टेड है ठीक है R/2 से, और यहाँ पर ये पॉइंट है G, यहाँ पर ये पॉइंट है A, ये है R1 और R1 की वैल्यू है 3R/10, सो लेट्स से दिस इज 3R/10 ठीक है. यहाँ पर R3 की वैल्यू भी है 3R/10, सो दिस इज 3R/10, और यहाँ पर R/10 R2 की वैल्यू है R/10. सो एज यू कैन सी कि ये जो डेल्टा था ठीक है, ये डेल्टा कन्वर्ट हो गया, 1, 2, 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया ये 3 रेजिस्टेंस से ओके. नाउ इफ यू सी, इफ यू ऑब्जर्व अगेन ठीक है,
यहां पर ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो अगर मैं इनका एडिशन करूं, दैट इज r by 10 plus 3r by 2, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करूंगा, तो ये हो जाएगा r by 10 plus 3 5 इज 15, ठीक है, दैट इज 15r by 10 which is equal to 16r by 10 which is equal to, ठीक है, which is equal to 2 8 is 16, ठीक है, and 2 5 is 10, this is 8 by 5 r ohm। और यहां पर भी अगर ये दोनों रेजिस्टेंस को आप देखेंगे तो ये दोनों भी किस में है, सीरीज में है, ठीक है। तो इन फैक्ट अगर मैं यहां पर भी ऐड करूंगा तो 3r upon 10 plus r by 2 multiply by 5 and divide by 5 करूंगा, so this is 3r by 10 plus 5r by 10 which is equal to 8r by 10, ठीक है। You can pause the video and you can make a note of all the values। ओके, ये वैल्यूज होने के बाद में, ठीक है, अब मैं यहां पर जो सर्किट है, ठीक है, फिफ्थ स्टेप, ठीक है, फिफ्थ स्टेप अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये पूरे ब्रांच को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है, मैं रिप्लेस कर सकता हूं 8 by 5 r से। तो यहां पर ये जो पॉइंट है a, ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट है g, ठीक है, और इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 8 by 5 r से, 8 by 5 r, और यहां पर इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, और ये वैल्यू कितनी है 8 r by 10। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में है, ठीक है, this and this they both are in parallel, और यहां पर जो वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूं, that is 3r by 10। अगर मैं इसको दोनों को सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा 1 upon 8 upon 5r plus 1 upon 8r upon 10 which is equal to, ठीक है, 5 upon 8r plus 10 upon 8r which I can write it as 15 upon 8r, but मुझे क्या चाहिए, ये actually 1 upon r equivalent है, तो r equivalent कितना आ जाएगा, r equivalent आ जाएगा 8r upon 15, okay, तो ये इसकी जगह पे मैं क्या replace कर सकता हूँ, ठीक है, इसी जगह पे मैं replace कर सकता हूँ 8 upon 15r, तो final जो step है, ठीक है, final step कुछ ऐसा है, 6th वाला, ठीक है, दैट इज यहां पर ये पॉइंट जो मेरा था ए था ये, ठीक है, और ये पॉइंट था मेरा जी, तो यहां पर ऐसे कुछ ये पॉइंट है जी और ये पॉइंट है ए, यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 3r by 10 और यहां पर जो वैल्यू की वैल्यू जो है दैट इज 8r by 15, दोनों सीरीज में है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 3r upon 10 plus 8r upon 15, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करके दिस इज 45r plus दिस इज 80r upon दिस इज 150, ठीक है, जो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज 5 दिस इज 125r upon 150, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, यहां पर जस्ट कैलकुलेशन कर लेता हूं, दैट इज 125r upon 150, ठीक है, दैट इज 5 2s are 10 5 5s are 25 5 3s are 15 0s are, ठीक है, 5 5s are 6s are, तो फाइनल जो आंसर आता है दैट इज 5 by 6r, ठीक है, तो इसको तुम एज अ कंक्लूजन भी याद कर सकते हो, दैट इज 5 by 6r that is equal to r equivalent, that is the answer। तो ये कोलैप्स मेथड है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं बनाऊंगा यही न्यूमेरिकल्स में केवीएल और केसीएल से भी सॉल्व करूंगा।